mistake, underestimating what you've taken on. I'm out of the cage, 'cause you opened the door. You're as innocent and as gone. 'Cause if you're falling for me, just... हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एस जी में। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले ओप्पो ए 11K का, जो कि न्यू मॉडल फ़ोन है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है। सो फ्रेंड्स, आज इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसका प्राइस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, और इसका ऑनलाइन में आपको प्राइस कितना पड़ेगा, ऑफलाइन में कितना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे, और ये फ़ोन कैसा है प्राइस के मामले में और डिज़ाइन के मामले में उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए। चले मिलते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एस जी में। सो फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले और इसके डिटेल्स जानने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास तीन पीस फ़ोन है, 1, 2, 3। सो हम बात करते हैं इसमें मेरे पास कौन कौन सा कलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस फ़ोन को उठाएं तो आप बैक साइड में यहाँ देख सकते हैं फ्लोइंग सिल्वर कलर है, ये फ्लोइंग सिल्वर इस जगह आप देख सकते हैं। एक ये हो गया, एक कलर हमारे पास ये है जो कि ये भी फ्लोइंग सिल्वर में ही है, एंड एक कलर हमारे पास ये है जो आप देख सकते हैं डीप ब्लू में है। सो चलिए इसको करते हैं इस वीडियो स्टार्ट और इसके बारे में बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये मैं ओप्पो ए 11K, अरे बॉक्स के ऊपर में ही हाईलाइट किया गया है 2 GB RAM 32 GB ROM के साथ आता है इस जगह। प्लस अगर आप बैक साइड में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 15.59 सेंटीमीटर एंड 6.22 HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन हमें देखने को इस फ़ोन में मिलता है। वाटर ड्रॉप स्क्रीन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि बॉक्स के जो बॉक्स कंटेंट है उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन, मोबाइल का डिज़ाइन कंपनी नहीं बनाता है। इसके चलते वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, मतलब कैमरा होगा छोटा सा स्क्रीन में ही, एंड डुअल रियल कैमरा हमें देखने को मिल जाता है। और अगर बैटरी का बात करें तो हमें 4230 mAh का लार्ज बैटरी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ऑल फेशियल अनलॉक, फेस अनलॉक भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। प्लस कलर का अगर हम बात करें तो ये डीप ब्लू कलर में है, और रैम रोम का बात करें तो ये 2 GB RAM 32 GB ROM में आता है। सो प्लस ये है एंड मेड इन इंडिया। तो ये था, चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। हम डीप ब्लू जो कलर है इसका, उसका करते हैं अनबॉक्सिंग। इसका सील मैंने पहले से कट करके रखा है, तो इसका सील को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल करते हैं ओपन, देख सकते हैं। चलिए बॉक्स को इस जगह रख देते हैं हम साइड में। सो हमें देखने को फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप देख सकते हैं एक सिम टूल मिल जाता है आपको सिम खोलने के लिए, कुछ यूज़र गाइड मिल जाता है, प्लस एक कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है पूरा, और कलर जो है इसका वाइट कलर है। प्लस इस जगह फिंगरप्रिंट का जगह भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। कवर जो केस दिया गया है वो काफ़ी सुंदर है, प्लस काफ़ी अच्छा क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है। सो एक ये मिल जाता है, इसे रखते हैं साइड में। देन हमारा मिल जाता है हमें मोबाइल फ़ोन। सो देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल फ़ोन, तो इसे भी चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइड में रखते हैं और हम देखते हैं हमें और क्या मिलता है। हमें एक चार्जर मिल जाता है, देख सकते हैं ये एक नॉर्मल चार्जर है, और एक केबल मिल जाता है। आई थिंक ये टाइप सी चार्जर तो नहीं होगा, टाइप सी नहीं है, ये नॉर्मल चार्जर जो सब देता है उसी टाइप का ये चार्जर है, टाइप सी चार्जर नहीं है। सो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में, और मोबाइल हम ओपन करके देखते हैं, बॉक्स साइड में रख देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मेरा जो मोबाइल है वो दिखने में कितना सुंदर आपको दिखेगा डिज़ाइन, जो सामने से जिया दिया गया है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है, इसे ऑन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। बट अगर मोबाइल का बैक साइड में देखेंगे तो इस जगह आप देख सकते हैं मोबाइल कितना सुंदर आपको दिखेगा। जो डिज़ाइन है ये कुछ कटिंग टाइप से है एकदम, बिल्कुल मतलब हल्का सा जो रेसा टाइप से बोलते हैं उस टाइप से है, इस तरीके से आया गया है जो काफ़ी अच्छा है। प्लस we'll be right back.
दिया गया है, डुअल कैमरा दिया गया है एंड फ्लैश लाइट दिया गया है। सो चलिए मोबाइल ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड आ गया है हमारा डिस्प्ले में। मोबाइल ऑन हो रहा है हमारा ओप्पो आ गया। कुछ टाइम लेगा मोबाइल ऑन होने में, जब इसका पूरा ये हो कंप्लीट होगा उसके बाद मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल हो गया है ऑन। आ जाइएगा, हमें सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है इंग्लिश, तो हमारा इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट करके रखा है। देन उसके बाद इसे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू के बाद इस जगह भी नीचे आ जाएँ, इस जगह भी आप कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ वाईफाई मांगेगा कि आप ईमेल आईडी तुरंत बनेगा उसके लिए, तो आप इसे स्किप कर दें। स्किप करने के बाद इस जगह से कंटिन्यू करें। तो इस जगह आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आएगा, इसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद सेटिंग में जाएं। कुछ अगर आपको पासवर्ड रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन इसे अभी हम कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए पासवर्ड रख के देखते हैं, 123456 यूज़ 123456 हो गया हमारा। फेस लॉक बोल रहा है तो फेस लॉक तो अभी नहीं डालेंगे तो स्किप कर लेते हैं। हमें फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो फिंगरप्रिंट इस जगह से हम दे देते हैं। इसे आप देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट ले रहा है, आपको देख लीजिए ये हो गया हमारा। फिर इसे कंटिन्यू करें, फिर इस जगह से इसे कंप्लीट करें। तो हमारा फिंगरप्रिंट भी हो गया है डन। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आप इस जगह देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम ओल्ड फ़ोन एंड सेट आ न्यू ओप्पो फ़ोन। तो हमें इस जगह न्यू में करना है, न्यू में करने के बाद इंस्टॉल कर देना है ऑल। उसके बाद गेट स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं 6 Color OS में है ये फ़ोन आया हुआ है। उसके बाद इसे स्टार्ट कर दें। तो देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन हो चुका है ऑन कुछ इस तरीके का डिस्प्ले में, जो मोबाइल काफ़ी सुंदर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। प्लस अगर हम इसका बैक साइड में बात करें तो वो भी काफ़ी सुंदर आता है। सो देख सकते हैं। सो चलिए कुछ इसमें हमें फर्स्ट इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा, वाटर ड्रॉप स्क्रीन हमें देखने को मिलेगा। और ये जो मोबाइल है ये 2 GB रैम और 32 GB रोम में आता है। प्लस अगर आप चाहें तो एक्सपेंडेबल अप टू 256 GB का आप मेमोरी कार्ड इसमें आप डाल सकते हैं। प्लस 15.8 cm एंड 6.22 इंच का HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम कैमरा का बात करें तो हमें कैमरा ये जो आपको कैमरा मिलेगा 13 MP का और प्लस 2 MP का कैमरा मिलेगा बैक साइड में आपको। और अगर हम फ्रंट कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो 5 MP का कैमरा हमें फ्रंट में देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम बैटरी का बात करें तो 4230 mAh का बैटरी हमें देखने को मिलेगा, पॉलीमर बैटरी देखने को मिलेगा, सॉरी पॉलीमर बैटरी देखने को आपको मिलेगा। और अगर कवर का बात करें तो MT6765V CV ओक्टा कोर प्रोसेसर कवर हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसेसर का अगर हम बात करें तो ओक्टा कोर प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। और जनरल में अगर कुछ बात करें, अगर वारंटी के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रांड वारंटी आपको 1 ईयर का मिल जाएगा अवेलेबल फॉर मोबाइल एंड 6 मंथ का वारंटी आपको एसेसरीज़ में मिल जाएगा। एसेसरीज़ का मतलब होता है जैसे कि आपका ये डाटा केबल, चार्जर एंड केस में आपको 6 मंथ का देखने को मिलेगा। और चलिए इसका फिंगरप्रिंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं। ये हमारा मोबाइल हो चुका है फिंगरप्रिंट से लॉक। इसका फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कि कितना फास्ट ये काम करता है। फिंगरप्रिंट जो है वो सेकेंड में आपका काम कर रहा है, मतलब एकदम जैसे किसी भी बिना टाइम लिए ही मोबाइल ऑन हो जाएगा आपका। बस आपको टच करना है और मोबाइल ऑन, इस जगह आप बस इस तरीके से टच करें, इधर मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। चलिए हम पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो पासवर्ड हमने 123456 डाला था, तो देख सकते हैं हमें पासवर्ड भी देखने को मिल जाता है। ये हो गया। प्लस अगर हम इस मोबाइल के बारे में अगर बात करें तो ये 2 GB रैम 32 GB रोम में आता है और इसका ऑनलाइन प्राइस आपको पड़ जाएगा 8,990 रुपया, 8,999 रुपीस आपको पड़ेगा। तो अगर हम इसका ऑनलाइन का बात करें तो 8,990 रुपीस आपको ऑनलाइन में पड़ेगा। प्लस अगर रिटेलर शॉप में अभी मतलब इस लॉकडाउन के समय में अगर आप रिटेलर शॉप में लेते हैं तो इसका 9,500 रुपया आपको देना पड़ेगा, 9,490 रुपीस। इसलिए फ़िलहाल में तो ऑनलाइन शॉप ही आपको सस्ता पड़ेगा। बट अगर आप आसपास किसी मोबाइल दुकान से अगर इस फ़ोन को अगर परचेज़ करते हैं तो अगर आप 9,000 से 8,100 रुपये कम भी दीजिएगा, बोलिएगा दुकानदार को कि हम जा रहे हैं, तो वो मोबाइल आपको दे देगा। सो यही है इसका प्राइस। और ओवरऑल रिव्यू दूँ तो ये आपको 9,000 रुपये में जो ये ओप्पो का मोबाइल है, प्लस ये मोबाइल जो आप देख सकते हैं काफ़ी पतला में है,
प्लस इसका जो वॉल्यूम बटन इस साइड दिया गया है, इसका सिम ट्रे दिया गया है एंड इस साइड में हमें पावर ऑन लॉक एंड ऑफ बटन दिया गया है। सो सिम ट्रे हम चेक कर लेते हैं कि सिम ट्रे हमें कैसा मिलता है देखने को। तो सिम ट्रे के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस जगह एक सिम डाल सकते हैं, सिम वन सिम टू एंड 256 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। 256 GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं, एक ये फ़ायदा है आपका। प्लस अगर ओवरऑल रिव्यू दूँ तो मोबाइल का जो कलर एंड डिज़ाइन एंड वेट है वो काफ़ी हल्का है। प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। सो ओवरऑल मैं अपना रिव्यू दूँ तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें इसी तरह का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पाने के लिए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।